आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 WBJEE के अंदर में कौन से टॉप 10 कॉलेजेस हैं उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसकी रैंकिंग, उसके बाद उस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर कैसा है उस पर बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग उस कॉलेज की प्लेसमेंट कितनी है, मतलब कौन सा कॉलेज कितनी अच्छी प्लेसमेंट देता है, उस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज क्या है, हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। तो WBJEE के अंदर जो टॉप कॉलेजेस है उसकी ईच एंड एवरी डिटेल्स हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको जो भी इंट्रेंस एग्जाम के, हर इंट्रेंस एग्जाम के एक जो भी पेपर्स चाहिए, प्रैक्टिस पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, वो आपको www.educationtrail.blogspot.com पे आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से दे सकते हो और वहाँ पे जाके आप फ्री में सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वहाँ प्यारा सा लाल रंग का बटन होगा, उसे दबाओ, उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसे दबाओ, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको नोट रखनी चाहिए। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको, अगर आपको टॉप 5 कॉलेज मिलता है WBJEE के थ्रू, टॉप 5 कॉलेज जो लिस्ट में आपको दिखने को मिलेगा, तो अगर आपको टॉप 5 कॉलेज मिलता है तो एडमिशन लेना यहाँ पे बहुत ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं दूसरी बात करूँ कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज है जिसके लिए मोस्टली फाइट होती है, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। और तीसरा, अगर आपको इसमें टॉप 5 कॉलेज नहीं मिलता तो इसमें एडमिशन लेना मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा नहीं, क्योंकि वहाँ प्लेसमेंट रेशियो जो बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है। तो आप उसके बदले कहीं और बेंगलुरु अगर दूसरे जगह को चॉइस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नंबर 10 पे आता है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, जो कि कोलकाता में स्थित है। ओके, अगर मैं इसकी कैंपस की बात करूँ तो इसका जो कैंपस है बहुत ही सुंदर कैंपस में से एक आता है। इसका CSE का जो कट ऑफ जाता है वो ऑलमोस्ट 1100 के आसपास में जाता है, मतलब आपको, आप इसमें CSE में एडमिशन लेना है तो आपका जो कट ऑफ है वो 1100 के नीचे होना चाहिए। इसका जनरल कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल कट ऑफ इसका ऑलमोस्ट 20 के जाता है। अगर इसके अंदर में आपका रैंक है तो आपको कोई ना कोई कॉल, मतलब जो कोर्स है इसमें आपको मिल जाएगी। इसका जो एवरेज पैकेज है वो 2 लाख रुपये और इसका जो फी है वो 60K है, और ये जो है वो गवर्नमेंट टाइप इंस्टीट्यूशन है। ओके, नंबर 9 पे आता है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी। ओके, इसका जो कट ऑफ है फॉर CSE वो ऑलमोस्ट आपको 4600 के आसपास में जाता है। अगर मैं इसकी जनरल कट ऑफ की बात करूँ तो इसका जो जनरल कट ऑफ है वो आपका ऑलमोस्ट 11.8K के आसपास में जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो। उसके बाद अगर मैं इसकी एवरेज पैकेज की बात करूँ तो इसका जो एवरेज पैकेज है वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास में पड़ता है, और इसका भी फी जो है वो ऑलमोस्ट आपको 60K के आसपास में जाता है। और इस इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो इसका जो टाइप है वो गवर्नमेंट है, सो आपको एक फी में रिलायबिलिटी मिलने का एक रीज़न ये भी है। नंबर 8 पे आता है हमारा टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक। इसके 2-3 कैंपस होते हैं, बट सॉल्ट लेक जो कैंपस है वो इसका मेन कैंपस है। अगर मैं बात करूँ इसकी जो कट ऑफ की, तो इसका जो CSE का कट ऑफ है वो आपको 8500 के आसपास में जाता है। इसका जो जनरल कट ऑफ है, मतलब इसके अंदर में आपका कोई भी मतलब रैंक हो तो आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाए, तो इसके लिए आपको 23K के आसपास में रैंक लाना पड़ेगा। अगर इसकी एवरेज पैकेज की बात करूँ तो इसका जो एवरेज पैकेज है वो 2 लाख के आसपास में जाता है। इसका जो फ़ी है वो अप्रॉक्स 3.3 लाख के आसपास में है, और ये जो इंस्टीट्यूट है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आता है। ओके,
नंबर 7 पे आता है हमारा हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, इसका जो सीएससी के लिए इसका जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट आपको 8K के आसपास में जाता है। इसका जो जनरल के लिए कट ऑफ है वो आपको ऑलमोस्ट 27.7K के आसपास में जाता है। इसका जो एवरेज पैकेज है, मतलब हल्दिया का जो एवरेज पैकेज है वो ऑलमोस्ट आपको 3 लाख के आसपास में है। इसका जो फी स्ट्रक्चर जो है 4 सालों के लिए वो आपको 3.5 लाख के आसपास में है। और ये जो इंस्टीट्यूट है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ओके, नंबर 6 पे आता है हमारा नारोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, अगर मैं इसकी कैंपस की बात करूँ, इसका लगभग मिनिमम सा कैंपस है, ठीक ठाक सा। और अगर इसकी कट ऑफ की बात करूँ तो इसका जो कट ऑफ है वो आपको ऑलमोस्ट 20 से 22K के आसपास में जाता है सीएससी और ईसी के लिए। अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात दूसरे कट ऑफ की बात करूँ तो वो आपको ऑलमोस्ट सिविल के लिए लाइक 60K के आसपास भी जा सकता है। अगर मैं इसकी पैकेज की बात करूँ, इसका जो एवरेज पैकेज है वो आपको ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास में जाता है। इसका जो फ़ी है, आपको 4 सालों में इसका जो फ़ी लगेगा वो आपको अप्रॉक्स 4.8 लाख का फी लगेगा। ये जो इंस्टीट्यूट है वो प्राइवेट टाइप का है। नंबर 5 पे आता है हमारा हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कोलकाता में स्थित है। अगर मैं इसकी कैंपस की बात करूँ तो इसका कैंपस वन ऑफ द बेस्ट कैंपस में एक आता है कोलकाता में। और इसका जो ब्रांच है, मतलब सीएससी के लिए जो कट ऑफ है इसका, वो 3400 के अप्रॉक्स आता है। अगर हम इसके जनरल कट ऑफ की बात करूँ, मतलब दूसरे ब्रांचेज के लिए, तो ये अप्रॉक्स आपका 10K पहुँच जाता है। इसका जो एवरेज पैकेज है वो अप्रॉक्स 3.35 लाख के आसपास में आता है। और इसका जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट आपका 4 लाख पहुँच जाता है 4 सालों के लिए। और ये जो इंस्टीट्यूट है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आता है। नंबर 4 पे आता है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी। ओके, अगर मैं इसकी कैंपस की बात करूँ तो इसका कैंपस ठीक ठाक सा है, अच्छा खासा कैंपस है। और इसमें सीएससी ब्रांच नहीं है, इसमें आपको आईटी ब्रांच मिलेगी। और इसका जो आईटी का कट ऑफ है वो अप्रॉक्स 3K के आसपास में पहुँच जाता है। इसका जो जनरल कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट आपका 5.8K के आसपास में है। अगर मैं बात करूँ इसका पैकेज, इसका जो एवरेज पैकेज है प्लेसमेंट के लिए, तो एवरेज पैकेज इसका 3 लाख के आसपास में है। और मैं इसकी फ़ी की बात करूँ तो वो बहुत ही कम है, जो कि 8K के आसपास में, मतलब 8000 में आपका पूरा 4 साल हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये गवर्नमेंट टाइप इंस्टीट्यूट है। सो ये डेट्स। नंबर 3 पे हमारा MAKA यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका जो कैंपस है बहुत ही अच्छा है, ठीक ठाक सा, मतलब अच्छा कैंपस। ओके, अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूँ तो सीएससी के लिए इसका जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट 2100 के आसपास में पहुँच जाता है। इसका जो कट ऑफ है फॉर जनरल वो भी ज़्यादा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं कम ही है, जो कि ऑलमोस्ट 2.9K के आसपास में है। इसका जो एवरेज पैकेज है, अगर प्लेसमेंट की बात करूँ तो इसका जो एवरेज पैकेज है वो 3 लाख समथिंग के आसपास में आता है। इसका जो फ़ी है वो स्ट्रक्चर कुछ क्लियर विजिबल था नहीं, तो इसका जो फ़ी है वो ज़्यादा महंगा नहीं होगा, आपको ऑलमोस्ट 60 से 80K के आसपास में पड़ जाएगा। इसका जो टाइप है वो टोटली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट टाइप है। नंबर 2 पे आता है हमारा IIM कोलकाता। अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूँ तो सीएससी के लिए इसका जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट 1.7K के आसपास में जाता है। अगर जनरल कट ऑफ की बात करूँ तो इसका जो जनरल कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट आपका 7200 के आसपास में पहुँच जाता है, क्योंकि प्राइवेट है। और अगर मैं इसकी एवरेज पैकेज की बात करूँ प्लेसमेंट, तो इसका जो पैकेज है वो 3.5 लाख के आसपास में जाता है, जो कि इसका एवरेज पैकेज है। इसका फ़ी अगर बात करूँ तो इसका फ़ी ऑलमोस्ट आपको 5.2 लाख पड़ जाएगा आपको 4 साल का। ओके, ये जो इंस्टीट्यूट है वो प्राइवेट टाइप का इंस्टीट्यूट है। सो इसका एक मतलब जो ये प्राइस बढ़ने की ये कंडीशन, ये भी बोल सकते हैं कि ये कंडीशन, ये प्राइवेट है। नंबर 1 पे आता है हमारा और सबका प्यारा इंस्टीट्यूट, जिसके लिए पूरी फाइट होती है, जादवपुर यूनिवर्सिटी। इसके बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा, इसका जो कैंपस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस में से एक आता है। अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूँ, अगर मैं इसके सीएससी के लिए कट ऑफ की बात करूँ तो आपको टॉप 100 के बीच में टॉप 100 आना पड़ेगा। ओके, तभी जाके आपको इसमें सीएससी मिल पाएगी। अगर मैं दूसरे ब्रांचेज के लिए बोलूँ तो दूसरे ब्रांचेज के लिए इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम जो आपका कट ऑफ होना चाहिए वो 1100 के आसपास में होना चाहिए। इससे अगर आपका रैंक ज़्यादा हुआ फिर इसमें एडमिशन मुश्किल है। अगर मैं बात करूँ इसका जो पैकेज है वो बहुत ही कमाल है, और सारे ब्रांचेज के लिए इसका जो एवरेज पैकेज है वो ऑलमोस्ट आपका 8.5 से 9 लाख के बीच में आता है। इसका जो फ़ी है वो तो कमाल ही है, इसका फ़ी आपको मतलब 10,000 में आपको 10K में पूरे 4 साल आप स्टडी कर पाओगे बहुत ही आराम से। ये टोटली गवर्नमेंट टाइप इंस्टीट्यूट है।